प्रभु श्री राम अपने महल में आ चुके हैं और बड़े स्तर पर पूरे अयोध्या में नगाड़े बज रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि अब किस तरीके से पूरी अयोध्या में नगाड़े बजाए जा रहे हैं, खुशियां मनाई जा रही हैं और श्री राम के नारे लगातार यहाँ पर लग रहे हैं। आप देखिए कि यहाँ पर सभी लोग पूरी एक परफॉर्मेंस कर रहे हैं और किस तरीके से भगवा झंडा जो है वो लगातार लहर रहा है और यहाँ पर सभी लोग अपने प्रभु श्री राम के स्थापना के बाद सबका साफ तौर पर कहना है कि अब प्रभु श्री राम आ चुके हैं, रामलला आ चुके हैं और उसके बाद अब पूरी अयोध्या में इसी तरीके का उत्साह होगा। यहाँ पर सभी श्री राम के स्थापना के बाद अब प्रभु श्री राम को अपनी जो प्रस्तुतियां हैं वो समर्पित करने का काम कर रहे हैं और इस ढोल को सुनिए, इस नगाड़े को सुनिए कि किस तरीके से प्रभु श्री राम के इंतजार में नगाड़े बज रहे हैं, ढोल बज रहे हैं। इसको आप पूरी तरीके से सुनिए और देखिए और महसूस करिए कि प्रभु श्री राम जब आ चुके हैं, विराजमान हो चुके हैं तो किस तरीके से पूरे यहाँ पर डमरू ढोल नगाड़े बज रहे हैं। आप देखिए कि यहाँ पर अलग अलग जगह से श्री बाबा बटेश्वर कीर्ति समिति भोपाल से ये पूरे लोग आए हुए हैं और सभी लोग यहाँ पर प्रभु श्री राम के लिए स्थापना के बाद यहाँ पर ढोल और नगाड़े बजा रहे हैं और प्रभु श्री राम को अपनी जो स्तुतियाँ हैं, जो अपनी खुशी है वो पूरी तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं। आप इस नगाड़े की आवाज को सुनिए, इसी से आपको समझ में आएगा कि खुशी किस लेवल की है, प्रभु श्री राम को किस तरीके से सब लोग समर्पित कर रहे हैं अपनी खुशी।
प्रभु श्री राम के आने की खुशी बाबा भोलेनाथ केतकी की आवाज निकाल के बम भोले के नारे से गूंज रही पूरी अयोध्या। जहाँ जय श्री राम के जयकारे तो वहीं पर बाबा भोलेनाथ, जहाँ प्रभु श्री राम वहाँ बाबा भोलेनाथ, हर हर महादेव के नारे के साथ सभी लोग खुशी मना रहे हैं। देखिए सभी भक्त पूरी तरीके से मग्न हैं, प्रभु श्री राम जिस तरीके से स्थापित हैं, उसके बाद भोलेनाथ के भक्त भी पूरी तरीके से मग्न हैं और लगातार अपनी प्रस्तुतियां समर्पित करते हुए। साफ तौर पर जाहिर करती है कि किस तरीके से प्रभु श्री राम के स्थापना के बाद ऊर्जा जिस तरीके से आपके अंदर अभी लगातार आप जिस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहे थे, जिस तरीके से भोलेनाथ के नाम और क्या कहने वो शक्ति का क्या क्या भाव है इस समय, क्या कहना चाहेंगे? इन सब चीजों में शब्दों में तो नहीं मैं कर पाऊंगा, इतना ही कहना चाहूंगा जो भी शक्ति आती है वहाँ प्रभु श्री राम और भोलेनाथ के पास से आती है। और जब कहा जाता है कि जहाँ श्री राम हो वहाँ भोलेनाथ जरूर होते हैं, और अभी जब आप यहाँ पर जब जिस तरीके से जिस तरीके से तांडव कर रहे थे, तो किस तरीके का भाव प्रभु श्री राम जो कि आज विराजमान हो चुके हैं, लंबे समय से इंतजार जो था वो खत्म हो चुका और प्रभु आ चुके हैं। प्रभु आ चुके हैं और यमा सौभाग्य हम राम लला के मंदिर में राम पत्र और शाम तक हम राम मंदिर भेजेंगे। और दूसरी तरफ भी अगर आप देखेंगे कि डमरू का नाद है, लोग लगातार पूरी शक्ति के साथ पूरे श्री राम भक्ति में लीन है। और कहा जाता है कि जिस तरीके से प्रभु श्री राम इसको लगातार भोलेनाथ जपते हैं, तो ऐसे में भोलेनाथ की पूरी सेना भी लगातार यहाँ पर परफॉर्मेंस दे रही है भोलेनाथ को याद कर। और मेरे दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो उनके साथ प्रभु श्री राम और सीता मैया, और जहाँ पर उन्हीं को देख कर पूरी तरीके से उनके स्वागत किया जा रहा है, जहाँ मंदिर में एक तरफ प्रभु श्री राम विराजमान हो चुके हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सभी लोग अब प्रभु श्री राम को साथ में लेकर भगवान के साथ अलग अलग जगहों पर लगातार यहाँ पर डमरू सुनिए, इस डमरू की आवाज को सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से यहाँ पर बड़े स्तर पर जो लोग आए हुए हैं किस तरीके से नाद कर रहे हैं, आवाज निकाल रहे हैं, और सबका सिर्फ इतना है। प्रभु श्री राम पर इस तरीके से जय राम के नारे से जोश के साथ वो पूरी अयोध्या राममय शिवमय पूरी तरीके से भगवान अपने प्रभु श्री राम जब विराजमान हुए हैं तो भोलेनाथ भी पूरी तरीके से मग्न हैं और भोलेनाथ के तरह भी पूरी तरीके से डमरू बज रहे हैं, गायन हो रहे हैं। मैं ये मूर्ति आपको सबसे पहले दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से प्रभु श्री राम, सीता मैया, लक्ष्मण, हनुमान, पूरा दरबार जो है वो यहाँ पर लगा हुआ है और लगातार उनके स्वागत में डमरू के नाद हो रहे हैं, डमरू बज रहे हैं और बड़ा बदलता जय राम, 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 जय रा
आज से पूरा अयोध्या गूंजता हुआ दिख रहा है और लगातार जो भावनाएं हैं लोगों की वो अब पूरी तरीके से निकल के सामने आ रही हैं। और अब देखिएगा डमरू का नाद, राम लक्ष्मण जय, राम लक्ष्मण जय। ये बाबा भोलेनाथ के डमरू का नाद है। जब प्रभु श्री राम विराजमान हो गए हैं तो बाबा भोलेनाथ के डमरू की नाद पूरे अयोध्या में सुनने को मिल रही है और इस तरीके से नाद हो रहा है कि सभी के मन से श्री राम, जय राम के साथ जय श्री राम के नारे लगातार गूंज रहे हैं और इस तरीके से गूंज रहे हैं कि हर जगह पर सिर्फ और सिर्फ राम और भोलेनाथ हर जगह दिख रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर इस शक्ति को, इस ध्वनि को, इस वाइब्रेशंस को समझिए, देखिए। जो भी दर्शक हिंदी खबर पर है और वो देखे कि किस तरीके से ये नाद ध्वनि लगातार पूरे अयोध्या को गूंजमान कर रही है। पूरी अयोध्या में सिर्फ और सिर्फ यही डमरू, यही तसले, यही ड्रम की आवाजें लगातार सुनने को मिल रही है और लोगों का जोश, लोगों का फर्क की शक्ति, लोगों की का समर्पण, सब कुछ जो है वो सब कुछ प्रभु श्री राम के लिए है। और प्रभु श्री राम आज जब विराजमान है तो कोई भी किसी भी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता और सभी लोग सभी अपनी पूरी शक्ति, अपने शरीर का आखिरी दम पूरे प्रभु श्री राम के लिए समर्पित करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि भगवा झंडा हमेशा ऊंचा था, ऊंचा है और ऊंचा रहेगा और प्रभु श्री राम का नाम हमेशा बड़ा था, बड़ा है और बड़ा रहेगा। आगे देखिए पूरी तरीके से के नाम की जो आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये है ताकत सनातन की, ये है ताकत प्रभु भोलेनाथ की, ये है ताकत प्रभु श्री राम सीता मैया की, ये है ताकत ये उस इंतजार की जो 495 साल से सभी सनातनी सभी राम भक्त कर रहे थे। और आज जब प्रभु श्री राम विराजमान है तो सभी लोगों का सिर्फ एक कहना है कि एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जिस तरीके से यहाँ पर ड्रम नगाड़े बजाए जा रहे हैं, देखिए लोगों में खुशी किस तरीके की है। क्या कहेंगे भाई, लगातार पूरी ताकत के साथ जिस तरीके से प्रभु श्री राम के आने के बाद आप लोग हर्षोल्लास का माहौल फैला रहे, क्या कहेंगे? सब प्रभु की कृपा है, ये करवाने वाले प्रभु है, करने वाले प्रभु है, हम तो सिर्फ प्रभु के निमंत्रण पर आ जाते हैं। आज जब प्रभु विराजमान हो गए हैं, क्या किस तरीके के भाव है? वो तो भाव आपकी कला में पूरी तरीके से दिख रहा है, मगर अभी के लिए क्या कहेंगे? अभी यही कहेंगे कि अपने स्वार्थ निस्वार्थ से हम सेवा करते हैं प्रभु, इसमें प्रसन्न रहते हैं सदैव। बिल्कुल साफ तौर पर है कि भगवान चाहते हैं सिर्फ निस्वार्थ भाव और उसी निस्वार्थ भाव के साथ कहीं ना कहीं सारी चीजें यहाँ पर दिखती हैं। लगातार ड्रम बज रहे हैं, नगाड़े बज रहे हैं, मंजीरे बज रहे हैं, डमरू बज रहे हैं और आप भावुक हैं, क्या कर? काफी प्राउड फील है हमारे लिए, जिंदगी में शायद फिर कभी इतनी बड़ी प्रायोरिटी मिले, खुशी हम हमारी बयान नहीं कर पाएंगे, जो हमारी मेहनत, हमारी इतनी कोशिश, हमारी इतनी सब कुछ करने के बाद इस मुकाम पे जा रहे हैं, बहुत कृपा है। उस चीज को लेकर हम बहुत भावुक है, बहुत एक इमोशनल अलग से अटैचमेंट है। देखिए शब्द किस तरीके से हैं, आंखों से आंसू हैं जब प्रभु श्री राम आज विराजमान है तो देखिए किस तरीके के भाव, आंखें पूरी नम है, आंखें पूरी तरीके से नम है भाव से। लगातार यहाँ पर जो नारे लग रहे हैं वो सुनिए, जो नगाड़े बज रहे हैं उनको सुनिए, उनकी ताकत सुनिए, देखिए कि किस तरीके से पूरी ताकत के साथ अपने प्रभु श्री राम को, अपने भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए कोई भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। और शायद इसी वजह से आपको दम है और लगातार किस तरीके से आज जब प्रभु देखिए
आवाज प्रभु श्री राम की, भोलेनाथ की, हर हर महादेव की, ये जो आवाज ये गूंज चीजें सिर्फ प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में हो सकती है। और महादेव जब आज यहाँ पर खुद अपनी पूरी सेना के साथ आए हुए हैं, महादेव के नारों के साथ जय श्री राम की गूंज साफ तौर पर जाहिर करती है कि जिस तरीके से सनातन में कहा जाता है कि भोलेनाथ सिर्फ राम नाम का जप करते हैं, तो राम जब अपने मंदिर में पहुंचे हैं, प्रभु श्री राम जब अपने मंदिर में पहुंचे हैं, तो महादेव का नाम ना हो ये संभव नहीं है। और आप देखिए सुनिए, जो आज लोगों की ये समर्पण में साफ तौर पर दिख रहा है। 495 वर्ष का इंतजार और उसके बाद जब आज प्रभु श्री राम विराजमान हुए हैं, तो साफ तौर पर है कोई भी प्रभु श्री राम के लिए अपनी भक्ति को किसी भी स्तर पर कम नहीं करना चाहता। कोई भी ये नहीं दिखा, कोई भी अपने शरीर का एक किंचित पसीना भी नहीं छोड़ना चाहता, सब कुछ प्रभु श्री राम को समर्पित।
बिल्कुल बिल्कुल है प्रभु श्री राम की ताकत। और आज जब प्रभु श्री राम अपने दरबार में विराजमान हो चुके हैं, बैठ चुके हैं, तो साफ तौर पर सभी लोग इसी तरीके से अपनी भक्ति, अपने भाव को पूरी तरीके से प्रभु को समर्पित करना चाहते हैं। और ये पूरी अयोध्या में नहीं, पूरे विश्व में लगातार इसी तरीके की गूंज सुनाई दे रही है और लगातार जय श्री राम के नारे पूरे दुनिया से सुनाई दे रहे हैं। सिंह राठौर, हिंदी खबर।